नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। 1932 खतियान लागू करना आसान नहीं, सर्वदलीय बैठक की तैयारी। झारखंड में 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता नीति को लेकर हेमंत सोरेन सरकार जल्द ही प्रक्रिया तेज करेगी। राज्य मंत्री परिषद में इस संबंध में सैद्धांतिक निर्णय हो चुका है। इससे संबंधित विधेयक झारखंड विधानसभा में पेश होगा। विधायक की औपचारिकता पूरी करने के बाद इसे राज्यपाल रमेश बैस के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। इस प्रक्रियाओं के पहले राज्य सरकार अभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेने की कोशिश कर सकती है। इसके तहत सर्वदलीय बैठक बुलाया जा सकता है, जिसमें सभी दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। बता दें, अहम मुद्दे पर सहमति बनने की प्रक्रिया पहले भी होती रही है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जब अपने शासनकाल में नीति का निर्धारण किया था तो उन्होंने निर्णय लेने के पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बैठक में सभी राजनीतिक दलों के सुझाव आए थे। 1985 से पूर्व राज्य में रहने वालों को इस दायरे में लिया गया था। यह संभावना जताई जा रही है कि वर्तमान सरकार भी सभी दलों से सुझाव लेने के लिए संयुक्त बैठक बुला सकती है। झारखंड में खोले जाएंगे 5600 स्कूल, कैबिनेट में प्रस्ताव लाएगी सरकार। झारखंड में विलय हुए 5600 स्कूलों को फिर से खोला जाएगा। इन स्कूलों को खोलने की तैयारी अंतिम चरण में है। बंद हुए वैसे स्कूल जहां के भवन जर्जर हैं उन्हें नहीं खोला जाएगा, जबकि अन्य स्कूलों में पढ़ाई फिर से शुरू की जाएगी। संबंधित स्कूल में जो शिक्षक कार्यरत थे उन्हें दूसरे स्कूलों से वापस लाकर पदस्थापित किया जाएगा। वहीं पोषक क्षेत्र में आने वाले बच्चों को इसी स्कूल में पढ़ाया जाएगा। राज्य सरकार इसका प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में लाने की तैयारी कर रही है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने पिछले महीने ही शिक्षा सचिव से इसकी जिलावार रिपोर्ट तलब की थी। झारखंड के मुस्लिम बहुल इलाकों में फिर स्कूलों की प्रार्थना बदल रहे मुसलमान। समाज में एक ऐसी शक्ति काम कर रही है जिसकी मानसिकता झारखंड सरकार के नियम कानून से अलग हटकर इस्लामी पद्धति कायम करने और उस पर चलने की है। बता दें, 2.5 महीने पहले गढ़वा जिले के कोरवाडी स्थित मध्य विद्यालय में बच्चों द्वारा हाथ जोड़कर प्रार्थना कराने के बजाय हाथ मोड़कर कराने के मामला प्रकाश में आया था। इसके बाद शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाई और राज्य के सभी विद्यालयों में प्रार्थना के बाबत दिशा निर्देश जारी किया, तो जहाँ जहाँ मनमानी की जा रही थी स्थिति सामान्य हुई। अब एक बार फिर मुस्लिम बहुल क्षेत्र स्थित कतिपय विद्यालयों में मनमानी शुरू हो गई है। इसमें पलामू जिले के छतरपुर प्रखंड के ठेकहीटांड स्थित उत्क्रमिक मध्य विद्यालय शामिल है। झारखंड के अनुबंध कर्मियों को राज्य से मैट्रिक और इंटरमीडिएट करने की अनिवार्यता से मिलेगी छूट। राज्य सरकार ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से तृतीय श्रेणी के पदों पर होने वाली नियुक्ति में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए झारखंड के शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होने का अनिवार्य किया है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग में पैरामेडिकल कर्मियों की होने वाली नियुक्ति में अनुबंध कर्मियों को एक बार फिर इसके लिए अनिवार्यता से छूट मिलेगी। राज्य सरकार ने यह निर्णय लेते हुए नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया है। इससे राज्य के सरकारी अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में अनुबंध पर कार्य करने वाले पैरामेडिकल कर्मियों को बड़ी राहत मिलेगी। अब राज्य के सरकारी अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में अनुबंध पर कार्यरत सभी पैरामेडिकल कर्मी जैसे ए ग्रेड नर्स, ANM, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन आदि राज्य सरकार के अधीन स्थानीय पदों पर होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। बिहार झारखंड के बॉर्डर पर भड़का जातीय उन्माद, राजपूत और कुशवाहा में भिड़ंत। झारखंड के पलामू और बिहार के औरंगाबाद जिले की सीमा स्थित हरिहरगंज और कुटुम्बा थाना क्षेत्र में जातीय तनाव बढ़ रहा है। एक तरफ राजपूत जाति के कतिपय प्रभावी लोग शामिल हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुशवाहा कोयरी साइबर स्पेस से निकलकर अब सड़क पर लड़ाई शुरू हो गई है। दोनों तरफ से इंटरनेट मीडिया में भद्दी भद्दी टिप्पणी की जा रही है, इससे माहौल विषाक्त हो रहा है। इसे समाज के प्रबुद्ध लोगों को रोकने के लिए आगे आने की जरूरत है। झारखंड में 3 से 4 दिनों के ब्रेक के बाद मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। मौसम विभाग से जारी अपडेट के मुताबिक मानसून टर्फ राजस्थान और उसके आसपास के इलाके में बना हुआ है। उस ओर जाने वाले बादलों से धनबाद और आसपास बारिश होने की पूरी संभावना है। 1 से 2 दिनों तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रहने की संभावना भी जताई गई है। इस बीच अगर बंगाल की खाड़ी में कोई हलचल हुई तो धनबाद में एक बार फिर रुक रुक कर बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हालांकि अब तक इस बारे में कोई अपडेट जारी नहीं किया गया है।
झारखंड में डायन बताकर 3 महिला समेत 4 को पिलाया मैला। झारखंड के दुमका से सनसनीखेज मामला सामने आया है। सरैयाहाट थाना क्षेत्र के असवारी गांव में अंधविश्वास में डायन बताकर 3 महिला समेत 4 लोगों के साथ न केवल मारपीट की गई बल्कि उन्हें मल मूत्र भी पिलाया गया, फिर गर्म लोहे से पूरे शरीर को दागा गया। जानकारी के अनुसार शनिवार को असवारी गाँव की रसी मुर्मू, सोनमुनी श्रीलाल मुर्मू और कोलो टुडू को गांव के ही लोगों ने डायन का आरोप लगाते हुए जमकर पिटाई की, साथ ही सभी को मलमूत्र बोतल के जरिए जबरन पिलाया। इतने में भी उन लोगों का मन नहीं पसीझा तो लोहा गर्म कर 2 लोगों के शरीर में बेरहमी से दागा। गैर शैक्षणिक कार्यों के खिलाफ आंदोलन करेंगे शिक्षक। प्रारंभिक शिक्षक उत्क्रमिक वेतनमान तथा सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना लाभ के समर्थन में आंदोलन करेंगे। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की रविवार को हुई ऑनलाइन बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। बैठक में राज्य के प्रारंभिक शिक्षकों के गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाए जाने का घोर निंदा भी की गई। शिक्षक आंदोलन के प्रथम चरण में 8 अक्टूबर को उपायुक्तों से मिलकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। आंदोलन के दूसरे चरण की घोषणा 9 अक्टूबर को की जाएगी। संघ के अनुसार 6ठे वेतनमान में जनवरी 2006 से शिक्षकों के उत्क्रमिक वेतनमान की विसंगतियों का समाधान नहीं किया गया है, जबकि इस विषय के सदृश मामले में सचिवालय कर्मियों के उत्क्रमिक वेतनमान की विसंगति को सरकार ने 2019 में ही समाधान कर दिया था। अवैध खनन रोकने के लिए 45 जगहों पर छापेमारी। अवैध खनन पर अंकुश लगाने को लेकर पुलिस प्रशासन ने शनिवार की रात धनबाद जिले में सघन छापेमारी अभियान चलाया। अभियान के दौरान संदिग्ध जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी हुई। कतराई, झरिया, टुड्डी, निरसा, बलियापुर, गोदूडीह, केंदुआ समेत विभिन्न इलाकों में पुलिस टीम छापेमारी के लिए गई थी। इसके अलावा माइनिंग विभाग की टीम भी अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही थी। पुलिस के अनुसार शनिवार को कुल 45 जगहों पर छापेमारी की गई, जहां से 2 टन कच्चा कोयला एक जगह पर जमा मिला। छापेमारी के दौरान ही पुलिस ने अवैध बालू लदे 5407 तथा 2 ट्रैक्टर भी जब्त किए हैं। छापेमारी के दौरान बरामद कोयला व बाइक को लेकर पुलिस ने 1 प्राथमिकी दर्ज की, वही 1 अज्ञात मानकर स्टेशन डायरी अंकित किया है। नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने के कई फायदे। इस वर्ष सोमवार से माता रानी का नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है। कलश स्थापना के साथ व्रत धारण करना और माता की प्रति दिन पूजा के अलावा जो एक और प्रमुख कार्य होता है अखंड ज्योति जलाना, यह इसलिए जरूरी होता है क्योंकि माता की कृपा घर में बनी रहे, इसलिए अखंड ज्योति अवश्य जलाना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होता है, घर परिवार में ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा भी कई फायदे होते हैं। बता दें अखंड ज्योति अगर आप गाय के शुद्ध देसी घी से जलाते हैं तो नकारात्मक शक्तियां नष्ट होती है, घर परिवार में किसी को बीमारी नहीं होती, लड़ाई झगड़े से मुक्ति मिलती है। बोकारो में बोनस को लेकर नहीं बनी बात, 10 को बैठक। बीएसएल सहित सेल कर्मियों के बोनस निर्धारण को लेकर नई दिल्ली में शनिवार को हुई एनजेसीएस कोर ग्रुप की दूसरी बैठक में प्रबंधन की ओर से 26,200 का प्रस्ताव आया, जिस प्रस्ताव को 5 यूनियन ने खारिज कर दिया है। इसी के साथ बेनतीजा समाप्त हो गई। अब बोनस को लेकर तीसरी बैठक 10 अक्टूबर को होगी। बता दें सेल प्रबंधन ने एनजेसीएस कोर ग्रुप की पहली बैठक 19 सितंबर में 22,000 रुपये बोनस का प्रस्ताव दिया था। देवघर बाबा मंदिर के मुख्य प्रबंधक रमेश ने 10 लाख की नहीं दिया हिसाब। बीते वर्ष शारदीय नवरात्र के समय देवघर बाबा मंदिर में दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर तत्कालीन मंदिर मुख्य प्रबंधक रमेश परिहंस ने 10 लाख रुपए एडवांस में लिए थे। इसका आज तक उन्होंने हिसाब नहीं दिया है। हिसाब नहीं देने के कारण मंदिर प्रशासन सह DC मंजूनाथ मैथी ने इसे गंभीरता से लेते हुए शो का जारी करने का आदेश दिया है। DC के आदेश पर देवीपुर CO सह मंदिर मुख्य प्रबंधक सुनील कुमार ने श्री परिहस्त को शो का जारी किया है। बता दें मंदिर प्रशासक सह DC मंजुनाथ भयंत्री के आदेश पर देवीपुर CO सह मंदिर मुख्य प्रबंधक सुनील कुमार ने बाबा मंदिर के तत्कालीन मंदिर मुख्य प्रबंधक रमेश को शो का जारी पत्र प्राप्ति के साथ 3 दिनों के अंदर एडवांस का बिल जमा करने का निर्देश दिया है। पातम डाटम जलप्रपात में नहाने के दौरान 2 युवकों की मौत। झारखंड के लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड के हेरहंज स्थित प्रसिद्ध पातम डाटम जलप्रपात में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। उनकी पहचान राम प्रकाश कुमार 16 वर्षीय पिता चरकू मेहता व अभय मेहता 16 वर्षीय पिता स्वर्गीय
सुरेश मेहता के रूप में की गई। दोनों युवकों का शव बरामद नहीं हो सका है। थाना प्रभारी मुकेश चौधरी के नेतृत्व में पुलिस जवान व ग्रामीण शव की तलाश में लगे थे। अंधेरे होने के कारण शव ढूंढने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। बताया जा रहा है कि 7 दोस्त यहां घूमने आए थे, नहाने के दौरान यह हादसा हुआ है। हेमंत सरकार ने जीता मोदी सरकार का दिल। कुछ महीने के भीतर जिस तरह से झारखंड में भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं, हेमंत सोरेन की सरकार भाजपा के निशाने पर है। भाजपा के नेता हर दिन हेमंत सोरेन की व्यवस्था को बेनकाब कर रहे हैं। यहां तक कि ईडी की कार्रवाई भी हेमंत सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। ऐसे तल्ख सियासी माहौल में हेमंत सोरेन के खाते में 2 खुशखबरी सामने आई है। बता दें, केंद्र सरकार ने एक विशिष्ट योजना में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए झारखंड को बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया है। वहीं दूसरी खुशी यह है कि झामुमो सांसद महुआ मांझी केंद्रीय समिति के सदस्य मनोनीत की गई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहली खुशी के सहारे झामुमो नेता अब भाजपा के नेताओं को घेरने का आनंद उठा सकते हैं। नीतीश कुमार के निशाने पर अब झारखंड। बिहार में भाजपा से तालमेल टूटने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा विरोधी दलों से संपर्क बढ़ाने में लगे हैं। इस क्रम में वे कई प्रमुख नेताओं के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। इसी कड़ी में वे झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन से मुलाकात कर सकते हैं। आगामी 16 अक्टूबर को रांची में जदयू की राज्य स्तरीय सम्मेलन की तैयारी के संदर्भ में यहाँ आए बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव को लेकर गैर भाजपा दलों के नेताओं से मिल रहे हैं। वे इस कड़ी में हेमंत सोरेन से भी मुलाकात कर सकते हैं। प्रदीप बलमुचू बने आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार बलमुचू को आदिवासी कांग्रेस का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। डॉक्टर बलमुचू ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव केसी वेणुगोपाल और झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे के प्रति आभार व्यक्त किया है। ओबीसी उत्थान समिति 28 को आभार सम्मेलन करेगी। झारखंड प्रदेश ओबीसी उत्थान समिति राज्य सरकार में 27% आरक्षण पिछड़ा समाज को देने के फैसले पर 28 सितंबर को पुराने विधानसभा परिसर में राज्य सरकार के प्रति आभार सम्मेलन करेगी। कार्यक्रम के लिए संचालन समिति बनाई गई है। इसके मुख्य संरक्षक आलोक कुमार दुबे, संयोजक लाल किशोर नाथ सहदेव, अध्यक्ष डॉक्टर राजेश गुप्ता छोटू, कार्यकारी अध्यक्ष अरविंद कुमार महतो, मीडिया सोशल मीडिया प्रभारी शंकर साहू, व्यवस्था प्रभारी अभिषेक साहू हैं। बता दें, वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उराव समेत पूरी कमेटी को धन्यवाद देगी। पलामू में पति के सामने सामूहिक दुष्कर्म। झारखंड के पलामू जिले में एक शर्मनाक घटना सामने आई है। हैवानियत की हद पार करते हुए अपराधियों ने पति के सामने उसकी पत्नी से दुष्कर्म किया है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना पलामू जिले के मनिका थाना क्षेत्र की है, लेकिन पीड़ित पक्ष ने जिले के सतबरवा थाना में यह प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि दुष्कर्म के बाद पत्नी का अपहरण भी कर लिया गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पश्चिमी सिंहभूम में सर्विस रिवॉल्वर में मैगजीन लोड करने के दौरान चली गोली। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में नक्सली अभियान से लौटने के बाद रविवार को स्पेशल टास्क फोर्स का एक जवान गोली लगने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में घायल जवान को अनुमंडल अस्पताल चक्रधरपुर लाया गया। यहाँ प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि एसटीएफ जवान अपनी सर्विस रिवॉल्वर में मैगजीन लोड कर रहे थे, तभी गोली चल गई। बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री बेचने पर जेल। बिना लाइसेंस अथवा रिन्यूअल कराए हुए खाद्य सामग्री बेचने वाले कारोबारियों एवं दुकानदारों पर कार्रवाई होगी। इस संबंध में अभिहित अधिकारी स्तर अनुमंडल पदाधिकारी धनबाद ने सभी खाद्य कारोबारियों को निर्देशित किया है। जिला प्रशासन 28 सितंबर को कला भवन में खाद्य लाइसेंस अथवा रजिस्ट्रेशन के लिए कैंप लगाने जा रहा है। इसमें खाद्य सामग्री बेचने वाले तमाम दुकानदारों अथवा कारोबारियों को लाइसेंस अथवा रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस अथवा रजिस्ट्रेशन के खाद्य सामग्री बेचने वाले दुकानदारों को 6 महीने की जेल अथवा 5 लाख रुपए जुर्माना लग सकता है। धन्यवाद।